अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय। ये है हमारा यूनिवर्सिटी का मेन गेट, आप देख सकते हो। हम लोग यूनिवर्सिटी से एंट्री कर चुके हैं और ये सीधा जाता है मेन बिल्डिंग की तरफ, और इस तरफ से भी रास्ता है लेकिन ये दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ जाता है। और ये इस तरफ से आप जाएंगे तो जहाँ पर ऑडिटोरियम बन रहा है उस तरफ से आप जा सकते हैं, ये वाले रास्ते। तो हम सीधे वाले रास्ते से चलेंगे। यह है हमारा VC का ऑफिस, जो GGSIPU का VC है, उनका ऑफिस है ये। आप ये देख सकते हैं, ये एक तरह का मैप ही है जो आपको दिखलाता है कि कौन सा ब्लॉक कौन सा तरफ है। तो ब्लॉक सी में USL लॉ का है, ब्लॉक डी में मैनेजमेंट का होता है, और ब्लॉक ई में IT डिपार्टमेंट का है। तो और ये सामने जो दिख रहा है ये हमारा सेंट्रल लाइब्रेरी है। ये हमारा लाइब्रेरी काफ़ी बड़ा है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये जो है ये सेंट्रल लाइब्रेरी है। तो यहाँ पर बहुत सारे किताब, बहुत सारे पब्लिकेशन का आपको मिल सकता है। आप जब भी पढ़ने का मन करो तो आप लाइब्रेरी जाकर पढ़ सकते हो, वहाँ पर एकदम साइलेंस रहता है। और मैं इधर देखते हैं, इधर ये है हमारा ई ब्लॉक जहाँ पर हमारा क्लास चलता है, IT का और CS का क्लास इधर पर चलता है। और इसका जो ब्लॉक है सेमिनार ब्लॉक उस तरफ है, उस तरफ इसका सेमिनार ब्लॉक है, ई ब्लॉक का सेमिनार ब्लॉक है, सेमिनार हॉल है। और ये हमारा यहाँ पर क्लास चलता है ई ब्लॉक, और दिखाते हैं हमारा ऐसा है इधर से। पर यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग क्लास चलता है, और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्लास भी चलता है, और डिजास्टर मैनेजमेंट का भी क्लास चलता है। यहाँ पर लगाए हुए हैं बोर्ड, देख सकते हो। तो ये हमारे बड़े भैया, हेलो गाइस। यहाँ पर तीन बड़े भैया है जो लोग यहाँ पे काम करते हैं। और भैया आपका नाम क्या हुआ? विशाल सर। विशाल? विशाल। अच्छा, तो आप कितने बरस से यहाँ पर काम है? तीन चार साल से। तो आपका तजुर्बा यहाँ पर कैसा है? बहुत अच्छा है, ये IT है यार, IT
कॉलेज गुरु गोविंद सिंह प्रसाद यूनिवर्सिटी। अच्छा ठीक है। तो भैया और कुछ यहाँ पर जो पढ़ाई वगैरह कैसा होता है सबसे वो? बेस्ट आप आगे भी जाके देख सकते हैं, क्लासरूम वगैरह सारा। अच्छा तो भैया आज हम लोग को क्लास दिखलाएंगे, तो भैया के साथ चलते हैं। क्यों नहीं तेरा मंजिल ऊपर तक तो 6 मंजिल का ये बिल्डिंग बिल्कुल है। ले लो और ये लिफ्ट है। और भैया बता रहे हैं ये लिफ्ट है, सच में ये लिफ्ट ही है। नहीं हमें कुछ और लगता है। और ये क्लास ये क्लासरूम है, अभी ताला लगा हुआ है, छुट्टी चल रहा है, तो आप देख सकते हैं क्लासरूम कैसा दिखता है यहाँ का। एकदम स्मार्ट क्लासरूम है भाई। चलते हैं तो भैया, थैंक यू। बाय। डी ब्लॉक जहाँ पर मैनेजमेंट का क्लास चलता है, और डी ब्लॉक के 3rd फ्लोर पे आपका इंटरनेशनल अफेयर का ऑफिस भी मिल जाएगा, जहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट को अगर जो एडमिशन लेना हो तो वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। और ये हुआ हमारा ब्लॉक सी, इधर पे ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस और लॉ का क्लास चलता है। तो ये कैफे भी इसी तरह पे छोटा सा है, लेकिन यहाँ पर एकदम मज़े का वो कॉफ़ी मिलता है। तो चलो हम वो भी दिखाते हैं आपको। ये है मेस कैफे, अभी बंद पड़ा है क्योंकि छुट्टी चल रहा है, इसलिए अभी मैं सीधे लाइब्रेरी का पीछे हूँ। और पीछे वाले तरफ आपको ए ब्लॉक देखने को मिल जाएगा, तो आप को दिखाते हैं ए ब्लॉक में कौन सा कोर्स चलता है। ये है ब्लॉक ए जहाँ पर बीटी का क्लास चलता है और इन्वायरमेंट मैनेजमेंट का क्लास चलता है भाई। ये ब्लॉक ए सीधे आपका लाइब्रेरी के पीछे की तरफ है, और ये बी, ये ब्लॉक भी आपका जुड़ा हुआ है साइड में। ब्लॉक बी में आपको केमिकल टेक्नोलॉजी का क्लास चलता है, यहाँ पर अगर जो आप केमिकल स्टूडेंट हो तो आ सकते हो। ये ब्लॉक ए और ब्लॉक बी सीधा आपको लाइब्रेरी के पीछे की तरफ मिलेगी। और तो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। तो ये देखते हैं इधर से, इसका स्ट्रेट आप जाओगे तो डायरेक्ट मेन गेट भी जा सकते हो अगर जो आप जाना चाहते हो। और ये वाली है आपके आर्किटेक्ट का क्लास यहाँ पर चलता है, जो कि लाइब्रेरी से अटैच्ड है। तो भाई जा रहे कैंटीन की तरफ, पर उधर एक अमूल भी है तो वो भी आपको दिखलाऊंगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल एंड बॉयज हॉस्टल। ये इस तरफ वाला जो है ये गर्ल्स हॉस्टल है, और उस तरफ का बॉयज हॉस्टल है। दो बॉयज हॉस्टल, दो गर्ल्स हॉस्टल है, और ये कैंटीन
कैंटीन है वो ठीक है, कैंटीन मज़ेदार है, सब कुछ अच्छा है। और वहाँ पर जो आप देख सकते हो, वहाँ पर एक अमूल है, और भाई यही है ब्यूटी। तो इधर सामने पब्लिक रिलेशन ऑफिस भी है, ये वाली जस्ट अपोजिट में यूनिवर्सिटी ऑफ मास कम्युनिकेशन का है, ये यहाँ पर मास कम्युनिकेशन होता है। और जस्ट मास कम्युनिकेशन के बिल्डिंग की जस्ट अटैच में आपका फार्मास्यूटिकल साइंस का भी है, इसी में है। और ये आप देख सकते हो फार्मास्यूटिकल का इधर पे क्लास वगैरह चलता रहता है। ये है GGSIPU का रोड, कितना हरा भरा है ना, देख सकते हो। यह है भाई, यही है वो स्विमिंग पूल जिसको मैंने जिक्र करा था आगे, उस वाले मैंने बोला था कि बास्केटबॉल के पीछे है ये, तो मैं अभी यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यही स्विमिंग पूल देखो, इधर स्विमिंग पूल ये बंद पड़ा है, खुलता नहीं है अभी। और ये जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हो, ये बॉयज़ हॉस्टल की बिल्डिंग है। और ये वॉलीबॉल, यहाँ पर वॉलीबॉल खेलते हैं। और आगे कुछ मीटर के दूरी पे यहाँ पर इंडियन बैंक है, जो यहाँ पर बैंक का भी फैसिलिटी है, और ATM भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप ये दे सकते हैं, यहाँ पर इंडियन बैंक है, तो आपको। और इंडियन बैंक के सीधे पीछे की तरफ आपको हेल्थ सेंटर भी मिल जाएगा।